जिसे अपने भीतर सत्य का दर्शन करना है, परम सत्य का दर्शन करना है, उसे बड़ा परिश्रम करना होता है। बड़ा परिश्रम, बड़ा पराक्रम, बड़ा पुरुषार्थ, और वो भी बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ। गलत तरीके से पुरुषार्थ करता जाएगा तो जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। बड़ी समझदारी के साथ जो सत्य प्रकट हो रहा है बस उसे ही स्वीकारना है यथाभूत। इस पर कोई रंग रोगन नहीं लगा लेना है। इस दार्शनिक मान्यता का रंग रोगन की उस दार्शनिक मान्यता का रंग रोगन, फिर यथार्थ से दूर हो जाएंगे। यथार्थ जैसा है वैसा है। तो ये व्यक्ति जो बोधि वृक्ष के तले बैठा हुआ अपने भीतर सत्य का अनुसंधान कर रहा है, सत्य का अनुसंधान करते 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 स्थूल अवस्थाओं से सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्या दुख है अनुभूतियों से समझ रहा है। यम पि इच्छं न लभती तम पि दुखं। इच्छाएं पूरी नहीं होती और दुख होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती दुख होता है। पर इतना अनुभव करके बुद्ध नहीं बन गया, अभी और गहराइयों में जाना। और गहराइयों में जाते 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 गहराई वाली बात पकड़ में आ गई। संखित्तेन पंच उपादान खंड दुख। संखित्तेन संक्षेप में, जब तक मन विक्षिप्त है, विक्षिप्त है माने बिखरा हुआ है, बलवान नहीं है, वो बींधने वाली प्रज्ञा को तैयार नहीं कर सकता। संक्षिप्त होते जाता है, संक्षिप्त होते जाता है, इतना संक्षिप्त हो गया कि प्रज्ञा बींधने वाली हो गई। तो बींधती हुई, छेदन करती हुई, भेदन करती हुई, टुकड़े टुकड़े करती हुई सत्य का उद्घाटन करने लगी, उद्घाटन करने लगी। तो उस अवस्था में संक्षिप्तेन अब क्या जान गया, पंच उपादान खंड दुख। अरे ये जो पांच स्कंद हैं इनके प्रति कितना गहरा उपादान है, पुरानी भाषा है, आज की भाषा में कहें तो इनके प्रति कितनी गहरी आसक्ति है। ये दुख है, जड़ों तक जाने लगा, ये दुख है। क्या पांच स्कंद हैं? एक तो ये भौतिक स्कंद, ये शरीर का स्कंद, पृथ्वी अग्नि जल वायु और उनका अपना अपना स्वभाव, और ये मिलकर के एक अष्टकलाप, और एक अष्टकलाप और दूसरे अष्टकलाप के बीच में शून्य। एक तो ये स्कंद, भौतिक स्कंद, और मानस के चार स्कंद, एक विज्ञान जो जानने का काम करता है, संज्ञा जो पहचानने का काम करती है, मूल्यांकन का काम करती है, वेदना जो अनुभव करने का काम करती है, और संस्कार जो प्रतिक्रिया करते हुए कर्म संस्कार की गांठे बांधी जा रहा है, कर्म संस्कार की गांठे बांधी जा रहा है। ये चार स्कंद, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये चार और वो भौतिक स्कंद, ये पांचों के प्रति कितनी आसक्ति, कितनी आसक्ति। ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर पर खूब कहता है ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरी आत्मा नहीं, ये चित्त मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। भीतर जाएगा तो मालूम होगा कि ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, ये चित्त ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है। कितना गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया है इसके प्रति, कितनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली इसके प्रति। व्यवहार जगत के लिए मैं कहना पड़े, मेरा कहना पड़े वो अलग बात है, लेकिन ये शरीर जब कहता है कि मैं हूं, मैं बड़ा खूबसूरत हूं, अरे शरीर खूबसूरत है, ये तो खूबसूरत है, तो शरीर में हो गया। मैं बड़ा लंबा हूं, मैं बड़ा ऊंचा हूं, मैं बड़ा बदसूरत हूं,
शरीर में हो गया ना, व्यवहार जगत की बात नहीं, उसके साथ चिपकाव है। मैं मेरे का भाव है, मेरा शरीर, ऐसे ही मेरा चित्त, जानने वाला चित्त जानने का काम करता है। और यह होता है कि मैं जान रहा हूं, ये मेरा जानना है। पहचानने वाला चित्त पहचानने का काम करता है, और यूं होता है कि मैं पहचान रहा हूं, ये मेरा पहचानना है। अनुभव करने वाला चित्त अनुभव करता है, और यूं होता है जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। प्रतिक्रिया करने वाला चित्त प्रतिक्रिया करता है, और यूं होता है कि मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं, ये मेरी प्रतिक्रिया है। मैं मेरा, और कितना गहरा चिपकाव, कितना गहरा चिपकाव, व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। हजार अपने आप को कहता रहे कि मैं नहीं मानता कि ये शरीर मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, मैं नहीं मानता कि ये चित्त मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, पर वस्तुतः तो ऐसा ही हो रहा है ना, भीतर जाए तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। शिविरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई एक भाई आता है कि देखिए ये साधना करते करते हमने सुना 10 ही दिन में आपके सिर का दर्द का बहुत बड़ा रोग निकल गया, मुझे तो देखिए कमर का दर्द न जाने कितने वर्षों से है, अब तक नहीं निकला, एक शिविर कर लिया नहीं निकला, 2 शिविर कर लिया नहीं निकला, बहुत दर्द है, कुछ कीजिए आप, कुछ कीजिए। अरे तो तू तो ऐसी मान्यता मानने वाला है ना कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, तो शरीर को दर्द होता होने देना, कैर होता है। अरे वो फिलोसफी की बात, उसे छोड़िए, उसे छोड़िए, कोई रास्ता बताइए, मेरे पीठ का दर्द निकल जाए रे। अरे भाई वास्तविकता यही है कि शरीर के प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया है। ये देहात्म बुद्धि, ये चित्तात्म बुद्धि इन फिलोसफियों से निकलने वाली नहीं है। सच्चाई को देखते 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 भीतर जाएगा, अरे कितना उपादान है रे, कितनी गहरी आसक्ति है रे, इन 5 स्कंदों के प्रति कितनी गहरी आसक्ति है। ओ ये व्याकुलता है, ये आसक्ति ही व्याकुलता है। खूब समझ में आने लगेगा, अनुभूतियों से समझ में आने लगेगा, तो आसक्ति टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, छुटकारा होते चले जाएगा। इसका साक्षात्कार करे, दर्शन करे, माने अनुभव करे। उपादान बहुत दुखदायी, एक बड़ा उपादान होता है, आसक्ति होती है अपनी तृष्णाओं के प्रति, तृष्णा जागी, यही अपने आप में बहुत दुखदायी। तृष्णा के साथ ही दुख जागता है, इसलिए उसको दुख समुदाय कहते हैं। तृष्णा जागी साथ साथ दुख जागा, और कहीं उस तृष्णा के प्रति आसक्ति हो गई, अडिक्ट हो गया उसके, तो और कठिनाई हो गई। अब तो बार बार तृष्णा जगाएगा ही, जानता है कि तृष्णा जगाने से व्याकुल होता हूं, फिर तृष्णा जगाएगा, जानता है व्याकुल होता हूं, फिर तृष्णा जगाएगा, क्योंकि आसक्त हो गया, उसका एक नशा हो गया। किसी को दाद हो गया, किसी को कोड हो गई, जी चाहता है खुजलाऊं, खुजलाता है, पीड़ा होती है, फिर जी चाहता है खुजलाऊं, फिर खुजलाता है, पीड़ा होती है, खुजलाता है, पीड़ा होती है, खुजलाता है, पीड़ा होती है, अरे फिर भी खुजलाई जा रहा है, खुजलाने की आसक्ति हुई, व्यसन हो गया। ऐसे ही तृष्णा का व्यसन हो गया, एक तृष्णा पूरी हुई कि झट दूसरी अपना सिर उठा लेगी। तृष्णा कायम रहनी चाहिए, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थिति, इसके प्रति तृष्णा जागी, ये उपलब्ध हो गई, अब बासी हो गई, कुछ और चाहिए। जो उपलब्ध हो गई, बासी हो गई, कुछ और चाहिए। अरे बिना पैंदे की बाल्टी है, भरी नहीं पाएगी। तृष्णा पर तृष्णा, तृष्णा पर तृष्णा, घर में ये आ गया, बड़ी अच्छी बात, जैसा अरे पड़ोसी के यहां तो वो है, अरे मेरे यहां तो है नहीं, जो पड़ोसी के यहां वो आना चाहिए मेरे पास भी, अब वो आया तो उसके यहां ये है, मेरे पास नहीं है, वो आना ही चाहिए। तृष्णा पर तृष्णा, तृष्णा पर तृष्णा, मैं औरों से 1 इंच ऊंचा रहूं, कहीं नीचा ना हो जाऊं, उसकी एनुअल सेल इतनी होती है, मेरी उससे ज्यादा होनी चाहिए। कितनी तृष्णा है और कितना व्याकुल है,
व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल, तृष्णा के प्रति व्याकुल हो जाना और तृष्णा के आसक्त होकर व्याकुल हो जाना, मानो करेला था बड़ा खारा, नीम चढ़ गया और खारा, तो खारापन ही खारापन, तृष्णा के प्रति जहां आसक्ति जागी वहां दुख का ढेर लग गया, ढेर लग गया। एक और आसक्ति जागती है, मैं के प्रति, मेरे के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति, मैं ऐसा। इस मैं के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो कितना चिड़चिड़ाता है, कितने विकार जगाता है और कितना व्याकुल हो जाता है। इस मैं के खिलाफ कोई जरा सा काम कर दे कितना चिड़चिड़ाता है, कितना व्याकुल होता है, क्योंकि मैं के प्रति इतनी गहरी आसक्ति हो गई, बहुत गहरी आसक्ति हो गई। जैसे मैं, जैसे मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इतना गहरा चिपकाव कर लिया इस मेरे 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 के प्रति, व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। ये मेरी घड़ी, बड़ी कीमती घड़ी, अरे यहां तो मिलती ही नहीं, विदेश गया था वहां से ले आया, इतनी कीमती घड़ी, इस मॉडल की घड़ी, इतनी बढ़िया घड़ी, एक दिन असावधानी से गिर पड़ी और टूट गई। आप देखो, रोए जा रहा हूं, मेरी कीमती घड़ी टूट गई रे, मेरी ऐसी मॉडल की घड़ी टूट गई रे, इस देश में तो मिलती ही नहीं रे, इस देश में तो इसके कलपुर्जे ही नहीं मिलते रे, रोए जा रहा हूं। वैसी ही घड़ी, उसी मॉडल की घड़ी, उतनी कीमती घड़ी मेरे मित्र के कलाई में बंधी हुई और उसकी असावधानी से गिर गई और टूट गई। अब नहीं रोना आता, क्यों भाई, वो भी तो कीमती घड़ी थी ना, क्यों नहीं रोता? रोता नहीं, बल्कि उपदेश देता हूं, अरे तुझे समझदारी से काम करना चाहिए था, इतनी कीमती घड़ी संभाल के रखनी चाहिए थी, इस देश में तो मिलती ही नहीं, अरे इसके कल पूजे नहीं मिलते। रोता नहीं ना, अब तो उपदेश देता हूं, कीमती घड़ी के टूटने को कोई नहीं रोता दुनिया में, मेरी घड़ी टूटी रे, मेरी के प्रति इतनी गहरी आसक्ति, और जितनी गहरी आसक्ति उतना ही गहरी व्याकुलता, उतना ही ज्यादा रोना। प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, जहां आसक्ति आई वहां रोना आएगा ही, जहां आसक्ति आई वहां व्याकुलता आएगी ही। आसक्ति कोई 150 रुपए की वस्तु के प्रति हो या 100 करोड़ रुपए की वस्तु के प्रति हो, आसक्ति आसक्ति है, उतना ही रोना आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक घटना घटी, उन दिनों ब्रह्मदेश से नया नया आया था तो तपोभूमिया तो बनी नहीं थी, कोई कोई भाई कहीं कहीं ये जिप्सी कैंप लगा देते थे, खानाबदोश कैंप लगते थे, अभी लगते हैं कहीं कहीं, क्योंकि तपोभूमिया तो गिनती की हैं, बन रही हैं, लेकिन फिर भी मांग इतनी है, तो कहीं कोई धर्मशाला मांग करके, कहीं कोई स्कूल में, कहीं कोई हॉस्टल में, यहां वहां शिविर लगते रहते हैं। तो एक भाई हमारा बड़ा मित्र, सर्व सेवा संघ का बड़ा नेता, बर्मा रहते ही उससे जरा परिचय हो गया था, यहां आया तो मिला, तो उसने कहा राजस्थान तो आपके पुरखों की भूमि है, वहां तो एक शिविर लगाइए, आप प्रबंध करें, हम तो आएंगे सिखाने वाले, पहुंच जाएंगे। तो हां भर ली, और उसने ढूंढ ढांड करके कहीं छोटे से गांव में, बामण गांव ऐसा कुछ नाम था उसका, वहां शिविर लगाया। इतना छोटा गांव, वहां से तो कौन लोग आते, इक्के दुक्के बैठे होंगे, बाकी आसपास के नगरों से आए, शिविर शुरू हुआ। उसमें एक बुढ़िया आई, नजदीक के एक शहर से आई, बड़ी बूढ़ी, और बड़ी प्रसन्न होकर काम करे, खूब प्रसन्न होकर काम करे, लगन से काम करे, निष्ठा से काम करे। एक दिन यकायक सुबह के ध्यान से अपने निवास में गई तो जोर से चीख चिल्लाई, लोग भागे गए, क्या हो गया इसे, किसी सांप ने काट दिया कि बिच्छू ने काट दिया, क्या हो गया इसे, और वो रोई जाए, क्या हो गया, अरे माई क्या हो गया। तो कहती है कि जब घर से चली थी तो कपड़े की एक छोटी सी थैली में मेरे 20-25 रुपए बचे हुए थे, वो उसमें डाल रखे थे, और 50 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था तो चांदी का एक आभूषण हमें
दहेज में मिला था वो उसमें डाल रखा था, और चलने लगी तो पड़ोसन ने एक सूखी मिठाई का टुकड़ा दे दिया, वो भी इसमें डाल रखा था। जब जब ध्यान करूं तो अपने पांव के नीचे उसे रख करके ध्यान करूं, सोऊं तो रात को अपने सिराने उसको रख करके सोऊं। आज गई हॉल में तो भूली गई यहां, अरे कोई ले गया रे, मैं तो लुट गई रे, मेरा तो सारा धन गया रे, रोई जाए। लोग समझाए, बुढ़िया माई तेरे 20-25 रुपये नगद, और वो 20-25 रुपये का आभूषण होगा, 50-1 रुपये का माल खोया है तूने, हम इकट्ठा कर देंगे, तू काम करना। काम आने रोई जाए। लोगों ने कहा जब तक इसके हाथ में रुपया नहीं रखेंगे इसका रोना नहीं मिटेगा, बेचारी काम नहीं कर पाएगी। रुपये इकट्ठे करने लगे, 100 रुपया हो गया, 100 रुपया रख दिया, अरे अब तो खुश हो जाएगी। कहाँ खुश होगी, रोई जाए। मैं क्या करूं इन रुपयों का, मेरा वो आभूषण रे, जो मुझे विवाह में मिला, जो मुझे दहेज में मिला, अब उसके प्रति इतनी आसक्ति है, वो कहां से लाए। रोई जाए, दिन भर रोती रहे। शाम को किसी ने देखा एक बंदर पेड़ के ऊपर उस कोथरी में से मिठाई निकाल के खा रहा है, लोग उसके पीछे भागे, उसे छुड़वा के लाए, उसका आभूषण उसके पास रखा, तो रोना मिटा। अब वो रोना चाहे 50-100 रुपये के आभूषण का था कि 50-100 करोड़ की कोई मलकियत का था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति कितनी है, जितनी गहरी आसक्ति है उतना ही ज्यादा रोना आएगा। मैं मेरा व्यवहार जगत के लिए मेरा कहे अलग बात, लेकिन मैं के प्रति आसक्ति हो जाए और इसी तरह मेरे के प्रति आसक्ति हो जाए, बहुत व्याकुल होता है। ऐसी ये घटना उत्तर प्रदेश के अवध में किसी गांव में शिविर लगा, गांव के लोग आए, आसपास के नगरों से भी कुछ लोग आए, शिविर चल रहा है। दोपहर को 12 से 1 बजे साधक मिलने आते हैं, तो उन दिनों 10 मिनट दिया करते थे, लोग थोड़े होते थे, अब तो 10 मिनट भी नहीं मिलती बेचारों को, तो 10 मिनट का समय देते थे। उनमें एक सन्यासी था जो समीप के नगर से आया, वो कहने लगा कि गोविंदका जी, ये 10 मिनट में मुझसे क्या, मेरा कैसे प्रश्न का समाधान होगा, मुझको तो एक बार आप आध घंटे समय दीजिए। नहीं महाराज, हम नहीं देंगे, हम जानते हैं आप क्या चर्चा करोगे, कोई न कोई दार्शनिक बात ऐसी, आत्मा होती है, ऐसा परमात्मा होता है, वो दोनों एक होते हैं, नहीं अलग अलग होते, मुझको इन सारी बातों से मतलब नहीं, मन के विकार निकालने की ये विद्या है, ये काम आपको ठीक लगे तो कीजिए, और दार्शनिक बात करने के लिए हम बिल्कुल अपना समय नहीं देंगे। कहता है महाराज, इतने दिन हो गए आपके साथ ध्यान करते हुए, हम खूब समझ गए, ये सब निकम्मी बातें हैं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हमको तो साधना के बारे में ही बात करनी है, 5-10 मिनट में हो जाएगी। नहीं, हमको आध घंटा दीजिए। अच्छी बात, चलो किसी तरह से आध घंटा निकाल के दिया। 2-4-5 मिनट तो साधना की बात होती रही, ऐसा होता है, हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इत्यादि। फिर यकायक टॉपिक बदल गया, गोविंदका जी, जिस नगर से वो आया है उस नगर में जो आपका बड़ा सा मठ है ना, अरे मेरा मठ है, मैं कभी गया नहीं उस नगर में, और मेरा मठ कैसे भाई, मठ तो सन्यासियों का होता है, और मैं तो गृहस्थ हूं, और गृहस्थ होने का इतना बड़ा प्रमाण अपने साथ रखता हूं, तो भाई मेरा मठ कैसे होगा। गोविंदका जी, आप समझिए तो सही, आपका मठ। और फिर कहता, आपके मठ में वो जो आपका हाथी झूमता है, मेरा हाथी झूमता है। अरे सन्यासी जी, कह क्या रहे हो, मेरा मठ, मेरा हाथी। कहता है, आप समझने की कोशिश कीजिए गोविंदका जी। अरे इतने में तो बात समझ में आ गई, अपना भारत तो बड़ा महान देश है, बहुत तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने ये व्रत ले रखा है कि मैं कभी अपने मुंह से मैं नहीं कहूंगा, मेरा नहीं कहूंगा, जब जब मैं कहना होगा तो आप कहूंगा, जब जब मेरा कहना होगा तो आपका कहूंगा। अब समझ में आ गया, अच्छा मेरा मठ और मेरा हाथी, कहिए क्या बात हुई। अब उसने वो मठ, उसमें कोई एक बिल्डिंग बना ली, और वहां के नगर पालिका से ऑर्डर लिया नहीं, उनकी मंजूरी भी ना बना ली, और वहां से ऑर्डर आ गया अब इसको तोड़ेंगे। नगर के बीच में हाथी कोई रख नहीं सकता, नगर के बाहर रखे, और नगर के बीच में अपने हाथ से लगाए बैठा है, तो उसका ऑर्डर आ गया, इस हाथी को निकालो यहां से।
तो गोयनका जी उसे बचाइए। उसने कहीं से सुन लिया कि उस नगर पालिका का मेयर कभी बर्मा गया था, कुछ दिनों हमारे घर में हमारा मेहमान बन के रहा था, आप बस दो चार शब्द से लिख दें, मेरा हाथी, आपका हाथी बच जाएगा, आपका मठ बच जाएगा, आपका कहता मेरा नहीं कहता। अरे घर बार छोड़ा है, सन्यासी है, मैं नहीं कहता, मेरा नहीं कहता, पर कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है, और कितना व्याकुल है, कितना व्याकुल है। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि यह आसक्ति पैदा करने वाला व्यक्ति कोई सन्यासी है कि गृहस्थ है, इसने पीले कपड़े पहन रखे हैं कि सफेद कपड़े पहन रखे हैं, लाल कपड़े पहन रखे हैं कि काले कपड़े पहन रखे हैं, कुछ नहीं देखती। ये व्यक्ति जो आसक्ति जगा रहा है वो अपने आप को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है कि मुस्लिम कहता है कि सिख कहता है, कुछ नहीं देखती। ये अपने आप को भारतीय कहता है कि पाकिस्तानी कहता है कि अमेरिकन कहता है, कुछ नहीं देखती। आसक्ति जगी है ना, आग पर हाथ रखा है ना, जलेगा ही। कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, रित है। अरे इसी की तो खोज भीतर करनी होती है, हम कैसे आग पर हाथ रखे जा रहे हैं। बाहर बाहर से ये आलंबन है, वो आलंबन है, ये कारण दिखता है, वो कारण दिखता है, ये हाथी है, ये मठ है, ये घड़ी है, ये अमुक है, ये अमुक है, भीतर आसक्ति है। रोना आसक्ति का आता है, आसक्ति भी हो और रोना भी नहीं आए, ये होने वाली बात नहीं। हो सकती है, एक शर्त पर हो सकती है, खूब आसक्ति हो फिर भी व्याकुलता नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जबकि ये मैं जो इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थिति को भोग रहा हूं, वो मैं हमेशा इसी प्रकार बना रहूं, इसी प्रकार बना रहूं, नष्ट नहीं हो जाऊं। और फिर जिसको मैं भोग रहा हूं, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थिति, वो वैसी की वैसी बनी रहे, अनंत काल तक बनी रहे। मैं अनंत काल तक बना हुआ हूं, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति जागी है वो अनंत काल तक बना हुआ है, तो काय करोना आएगा, रहे ना आसक्ति। पर भाई ऐसा कहां होता है, कहां होता है। जिसको मेरा 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 कहता हूं, देखते देखते नष्ट हो जाता है, देखते देखते नष्ट हो जाता है, मैं असहाय कुछ नहीं कर पाता। वो नहीं नष्ट होता तो समय आता है मैं नष्ट हो जाता हूं, वो सारी धरी रह जाती है। तो जब जब ये बिलगाव आएगा, बिछो आएगा, रोना ही आएगा। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम, जहां उपादान हुआ, जहां आसक्ति हुई, वहां रोना आएगा ही। क्यों? क्योंकि अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। जिसे मैं किए जा रहा हूं वो भी अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। जिसे मेरा 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 किए जा रहा हूं वो भी अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। रोने के सिवाय और क्या आएगा? आसक्ति नहीं हो जरा भी रोना नहीं आएगा। अनासक्त होकर संसार में रहें, अपनी जिम्मेदारियों के सारे काम पूरे करते रहें, आसक्ति नहीं हो, चिपकाव नहीं हो, जीना आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। अरे धर्म का जीवन हो गया ना फिर तो, निर्मल चित्त का जीवन हो गया, अनासक्ति का जीवन हो गया। ऐसा करने के लिए ही अंतर्मुखी होते हैं, ये विद्या सीखने के लिए ही अंतर्मुखी होते हैं। आसक्ति कहां जागी? जागी तो बढ़ तो नहीं रही है, कैसे उसका निराकरण करें? बस ये सीखते सीखते सीखते, आसक्ति दूर होती जाए तो दुख दूर होता जाए, अनासक्ति आती जाए तो सही माने में सुख आता जाए। जो जो इस विद्या में पारंगत होता चला जाए उसका मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, उसके स्वस्थ ही स्वस्थ, उसके मुक्ति ही मुक्ति।